हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपको एक नए स्टाइल का पिलो बताने जा रही हूँ। और ये पिलो आज हम खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, जो बैठना शुरू करते हैं, घुटने के बल चलना शुरू करते हैं, इधर उधर की चीज़ें मुंह में डाल लेते हैं उठा के, और अक्सर गिरते पड़ते रहते हैं, चोट लगती रहती है खिलौना लेने के चक्कर में। तो आज एक ऐसा पिलो मैं बनाऊंगी जिससे कि बच्चा गिरेगा भी तो भी खिलौने के साथ ही वो अपनी पिलो पर ही गिरेगा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 19 बाई 16 इंच का कपड़ा लिया है। साइड में इसको मैंने रेड कलर की पट्टी दे करके पूरा 19 इंच का कर दिया, और कुछ डिफरेंट कलर के इसमें पीसेस लिए हैं जिससे कि ये खूबसूरत बनेगा। और ये 5.5 इंच बाई 5.5 इंच का एक स्क्वायर पीस लिया है जो हम इससे राउंड शेप निकालेंगे। और यहाँ पर ये 8 पीसेस मैंने लिए हैं ग्रीन कलर के, क्योंकि हम इसको कलरफुल बनाएंगे। 4 इंच के ये 8 पीस हैं फैब्रिक लूप। इसके साथ हमें चाहिए फाइबर, फिर हमें चाहिए थोड़ा सा और दूसरे कलर में कपड़ा, और ये सारा कपड़ा कॉटन का है। और साथ में ये टॉयस, इस तरह से जो टॉयस होते हैं ये नरम भी हैं, बच्चों को चोट नहीं लगते, इस तरह से लेने हैं। और टीथर वगैरह भी इसमें हम लगा सकते हैं क्योंकि बच्चे हर चीज़ मुंह में डालते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पर निशान लगा लेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पर जहाँ पर हमें टॉयस लगाने हैं वहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। दो यहाँ साइड में मार्क कर लेंगे, दो यहाँ कर दिया क्योंकि मेरे पास 8 पीस हैं और इससे ज़्यादा लगाना भी नहीं है। तो दो मैंने यहाँ लगा लिए, एक यहाँ लगा लिया, एक यहाँ और दो यहाँ। तो ये टोटल 8 निशान हो गए हमारे पास। अब हम एक टॉय लेंगे, कोई भी एक ले लेंगे, और हर टॉय में ये पकड़ने का होता है, इसके अंदर इसको डालेंगे, सिंपल यहाँ रखेंगे और इसको टक कर देंगे। इसी तरह से छोटा बड़ा खिलौना हम इसमें फिट करते जाएंगे। इसको इस तरह से लगाने के बाद इस तरह से बचे हुए जो लूप हैं आपके पास या ज़्यादा बना लीजिए, उनको यहाँ पर सेंटर निकालते हुए इस तरह से इसका सेंटर निकाल लीजिए और यहाँ पर सिल दीजिए। और एक इधर लगा दीजिए, मेरे पास दो बचे हैं, मैंने दो लगा दिए। इसको हमें कवर करना है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और फिर पलट के यहाँ पर इसको सिल देंगे। तो धारियाँ भी बन जाएंगी और कलरफुल भी हो जाएगा, और ये जो सिलाई हमने की है ये भी छिप जाएगी। तो इसको हम सीधा सीधा पूरा जोड़ेंगे, इसको इस तरह से जोड़ना है कि मशीन का हिस्सा इस पर ना पड़े। इसको फोल्ड करेंगे, खिलौने को हटा देंगे और यहाँ से रख के सिलना शुरू करेंगे। ये एक पट्टी हमारी लग गई। सेम प्रोसीजर में
अब इसको भी हम लगाएंगे, ये जो बीच वाली है। तो यहाँ पर ये जो पट्टियाँ मैं लगा रही हूँ, आप जो आपके पास पाइपिंग बची हो, कलरफुल हो, कॉटन हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको जोड़ने के बाद सब अंदर करते हुए बहुत सावधानी के साथ हमें इसको पैक करना है इस तरह से। इसको जोड़ने के बाद अब हमारे पास जो ये 5.5 इंच बाई 5.5 इंच का पीस था, और इसको हम इस पर रख करके कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैं बता दूँ कि आपको तकिया की पिलो की जो भी चौड़ाई गोलाई चाहिए, तो पहले आप गोला काट लें, जितना बड़ा आपको चाहिए, मतलब बड़ा चाहिए उतना बड़ा गोला काट लीजिए, मीडियम चाहिए छोटा चाहिए, उस तरह से काटने के बाद इसके चारों तरफ आप मेजरमेंट ले लें, फिर उसके बाद इस साइज़ का कपड़ा कट करके फिर तैयार करें। इसको कट करने के बाद, इसको बनाने के बाद इसका गोले का साइज़ निकालना थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, तो पहले आप साइज़ चूज़ कर लें कि हमको कितने बड़ा, कितना चौड़ा, कितनी गोलाई का हमें पिलो चाहिए। तो पहले गोलाई काट लीजिए, फिर इसको पूरा मेजरमेंट कर लीजिए, फिर उसके बाद लंबा कपड़ा ले करके उसको क्विल्टेड पीस को तैयार कर लीजिए। कट करने के बाद इसको हम धीरे धीरे सीधा करेंगे। इसको हमने कुछ इस तरह सीधा कर लिया। अब इसको हम यहाँ सीधा जोड़ेंगे और इस पर पाइपिंग चढ़ाएंगे, और जोड़ते जाएंगे, पाइपिंग चढ़ाते जाएंगे। अब इधर तो हमने पाइपिंग चढ़ा दी, इधर पूरा ब्लॉक कर दिया। पहले हम पूरे पाइपिंग को चारों तरफ सिल देंगे इस तरह से। अभी इसको हम नहीं लगाएंगे, केवल पाइपिंग को सिंगल सिलाई कर देनी है। अब इस पाइपिंग को जोड़ने के बाद ये जो सर्कल हमने जोड़ा है, इसको थोड़ा हिस्सा छोड़ के बाकी सिल देंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें कॉटन भी भरनी है। तो इसको हम अब इसको सिल देते हैं।
अब इसको सिलने के बाद ये जो हमने यहाँ पे जगह छोड़ी है यहाँ से इसमें रुई भरना स्टार्ट करेंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी टाइट पिलो चाहिए, कितनी लाइट पिलो चाहिए। अब इसको हम धीरे धीरे भरना शुरू करेंगे। और इसको हमने कुछ इस तरह से भर दिया है। और अब फाइनली इस पाइपिंग को हम चढ़ाते हुए मशीन चला देंगे और इसको भी साथ में यहाँ पर पैक कर देंगे। तो इस तरह से ये आसानी से पैक हो जाएगा। और ये हमारी किलो कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर ये हमने जो लूप दिया है और एक लूप हमने यहाँ पर दिया है, तो ये पिलो को टांगने के लिए दिया है कि ज़मीन पे ना पड़ी रहे, जब ज़रूरत हो बच्चे को बिस्तर पे बैठाएं और बच्चे को दरी पे बैठाएं, जहाँ भी बैठाएं तकिया पास में रख दें, ना खिलौना दूर जाएगा ना बच्चा पलंग से या ज़मीन पर गिरेगा कहीं। और इसको मैंने इतना सॉफ्ट बनाया है कि अगर बच्चा इसके ऊपर गिरता भी है ये पिलो के अंदर चला जाएगा और बच्चे को चोट भी नहीं लगेगी। तो वो हर कलर, क्योंकि कलरफुल होते हैं उनके खिलौने, और खिलौने अगर दूर चले जाते हैं तो वो धूल मिट्टी में पड़ के गंदे हो जाते हैं, क्योंकि घरों में लोग पैदल चलते हैं, चप्पल पहन के चलते हैं, चप्पल नहीं भी पहनते तो भी धूल मिट्टी बाहर से आती रहती है, तो वो हर तरह के इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। और बच्चे का खिलौना भी पास में रहेगा, जब बच्चे का खिलौना पास में रहेगा तो खुश रहेगा, जानी हुई सी बात है। अगर वो इस पर लुढ़क के सो भी जाता है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी लंबी पिलो बनाई है। तो ये कुछ इसी आइडिया के साथ मैंने ये पिलो बनाया। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ यूज़फुल और नया आइटम लेकर आएगी। नमस्कार।